कि आज का क्राउड बड़ा एंथुजियास्टिक क्राउड है। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। देखिए बात आज के क्राउड में यह है कि राइट साइड पे खवातीन है, लेफ्ट साइड पे हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं। तो लड़कियां, मैं हमेशा कहता हूं कि लड़कियां लगन से काम करती हैं, मेहनत से काम करती हैं और कुव्वत से काम करती हैं। लड़कियां लगन से काम करती हैं, मेहनत से काम करती हैं, कुव्वत से काम करती हैं। लगन और मेहनत की तो समझ आती है, लेकिन कुव्वत का अंदाजा इस समर से लगाइए कि आज से 1400 साल पहले जाहिल अरबों ने जिन सहराओं में लड़कियां दफन की थी, आज वहां से तेल निकल रहा है। बरकैफ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि अब्बास ताबिश का वो शेर मेरे पर्दा फिक्र से टकराता है कि जिसमें वो लिखते हैं, जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। इसको कहते हैं टाइमिंग, और हर चीज टाइमिंग के साथ अच्छी लगती है। जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूं कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगता है। इसका मतलब आज का क्राउड बड़ा शायराना क्राउड है और मिजाज बना हुआ है, तो चले फिर मिलके माहौल बना लेते हैं। मेरे मिजाज के लोग क्योंकि सबसे एंड पे बैठे हुए होते हैं, जहां से सबसे वाहवाह ज्यादा उठती है, तालियां ज्यादा उठती हैं, और जो जो आप आगे बढ़ते हैं, सीनियोरिटी बढ़ती है, तो तालियां भी कम हो जाती हैं। लोग हाथ बांध के बैठे होते हैं, तो उम्मीद है कि आज की इस बज़्म के अंदर असातिज़ा भी भरपूर शिरकत करेंगे। मिलके हम कोशिश करते हैं कि जिन लम्हों में आज बैठे हुए हैं, इनको यादगार बना लें। तो क्या ख्याल है, माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा? माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तालियां उठनी चाहिए ना। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, और इश्क दोनों की जरूरत है। अच्छा पता ही क्या है, इश्क का नाम सुनते ही ना लोगों के ऊपर पता नहीं क्यों ऐसे ये सख्ता सा तारी हो जाता है। मैं इश्क का मफहूम वाजे करूंगा। आप समझ रहे हैं कि बुजुर्ग महफिल में बैठे हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता मैं किसी और इश्क की बात कर रहा हूं। मैं ये वाजे करूंगा कि मैं किस इश्क की बात कर रहा हूं। और इश्क होता ही एक है। ये जो कहते हैं ना इश्क के मजाजी, शायर इस शेर में ये कह रहे हैं इश्क के मजाजी की रूह से। इस शेर में शायर इश्क के हकीकी की बात कर रहे हैं, और इश्क होता ही एक है। ये कोई मजाजी हकीकी वाला चक्कर कोई नहीं होता, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। इंसानियत से बड़ा मजहब तो कोई नहीं है ना। इंसान से प्यार करने की बात कर रहा है शायर। अच्छा बात यह है कि हम क्योंकि टिकटॉक वाले हैं, हम फेसबुक ये हैं, हम इंस्टा वाले हैं, तो हमें इश्क की समझ कम कम लगती है। पहले हुआ करता था कि किसी को खत देकर कहते थे, जा कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। जा कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कभी कबूतर के मुंह में रुक्का डाल रहे हैं, कभी घोड़े को भिर रहे हैं, कभी घोड़ा दौड़ा रहे हैं। आजकल पता है क्या है, जा कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया। तो आपको कहां समझ आएगी इश्क क्या है। अच्छा ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं चाहता हूं कि मजाक ही मजाक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप तक पहुंच भी जाएं, इस पार से उस पार पहुंचनी चाहिए, और यही मकसद भी होता है इस स्टेज के ऊपर आने का। देखें, इकबाल ने कहा, अकीबुल उम्मत शायर मशरक अलामा मोहम्मद इकबाल लिखता है कि अक्ल हो मसलहत अंदेश तो पुख्ता होती है, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। मैंने किसी से पूछा कि इश्क किसको कहते हैं, उसने कहा इश्क तीन हरूफ से मिलके बना है, एन, शीन और काफ, कुत्ते वाला नहीं कैंची वाला। एन से अकल चली जाती है, शीन से शकल बिगड़ जाती है, और काफ से कल्ब डगमगाता है।
वाह उठनी चाहिए इस पे, वाह उठनी चाहिए ना, खूबसूरत बात है। अच्छा जहाँ खामोशी होगी उस तरफ गिफ्ट्स होंगे। भाई ऐसे बांट रहे हैं जैसे शादी निकाह के बाद नहीं बांटते कोई चीज शॉपिंग बैग में। दे दें प्लीज दे दें। वो जो बहन बैठी हुई है जो लाल दुपट्टा पहना हुआ है जिन्होंने, प्लीज इनसे इनसे सवाल पूछे ना, सवाल पूछे अपनी पसंद का सवाल पूछे, पूछ लें कुछ भी पूछ लें। पाकिस्तान के कुल सूबे कितने हैं यही पूछ ले, आप क्या पूछने लग गए। चले रेहान तारिक के नाम से YouTube पर एक चैनल है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस पसंद आती हैं लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन अगर घंटी मिल जाए तो घंटी खड़काएं, जितनी खड़का सकते हैं खड़काएं और YouTube के ऊपर आएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वक्तन फवक्तन आपकी मशहूरी करता रहूंगा, साथ में अपना टीजर भी देता रहूंगा इंशाल्लाह। आई थैंक यू ऑल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग बीइंग वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ आए हैं UET के अंदर और खूबसूरत माहौल आपने बनाया है, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया।